फंक्शन की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी थी, हमने सब बच्चे आ चुके हैं, टीचर्स में उत्साह बहुत है। तो हमारे साथ जो कोषाध्यक्ष हैं मनीष जी चिमनानी जी, वो हमारे साथ आ चुके हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें हमारे का माहौल कैसा लगता है। गुड आफ्टरनून मैम, आपके यहाँ पे जो आपने अरेंज किया है ये प्रोग्राम मेनली स्टूडेंट के लिए होता है, तो मुझे यहाँ पर अभी आकर देखिए ऐसा लग रहा है अच्छा कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आस पास वाले वो बहुत उत्साह से इसमें भर लेना चाहते हैं, उनसे उनसे तैयारी क्या लगता है, क्या और बेटरमेंट करना चाहिए जिससे प्रोग्राम और सक्सेसफुल। प्रोग्राम को अच्छा और बड़ा बनाने के लिए हमेशा मैं तो हमारे देश की जो संस्कृति है संस्कृति वो और कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे मानवीय मूल्यों का और ऊपर जाना तय हो, इस तरह के प्रोग्राम तय करें तो वो बेहतर है। हम बात करते हैं सर से कि उन्हें कॉलेज का माहौल कैसा लग रहा है और कॉलेज में उन्हें कैसा लग रहा है। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो इस तरह के कार्यक्रम रहते हैं एक तो सब में एकजुटता की भावना पैदा होती है, और दूसरी बात ये है कि आप साल भर इसका इंतज़ार करते हैं और जब ये वक्त आता है तब आप उसको ठीक से निभाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि खुशी का वातावरण बने, साल भर पढ़ाई करते हैं ये मौका मिलता है, तो जो ऊर्जा आप लोगों में दिखाई देती है उससे मुझे बहुत खुशी हुई, और इतनी ऊर्जा जब युवकों और युवतियों में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा देश सचमुच में आगे बढ़ता है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। बेटा ये कॉलेज तो मेरा क्या बताऊँ, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ के निकला हूँ 1975 के अंदर में, जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त मैं इसी कॉलेज में पढ़ता था और यहीं से पढ़ के निकला हूँ। उस इमरजेंसी के पीरियड में छात्र आंदोलन वगैरह सब मैंने देखे, संस्था ने और भाई साहब मनोहर जी ने मुझे उनकी टीम में लिया है, बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज तो शुरू से देखा हुआ ही है, पहले राजमहल्ले में लगता था, नाइट कॉलेज था, अभी सब यहाँ पर, उस वक्त बच्चियाँ कॉलेज में आना पसंद ही नहीं करती थी, आज आप 30% यहाँ पर लड़कियाँ हैं, बहुत अच्छा माहौल है कॉलेज का। मेरे फादर बहुत साल पहले से ट्रस्टी थे, वो इस कॉलेज के अध्यक्ष भी काफ़ी साल तक रह चुके हैं, और ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और टीम मेंबर बहुत डेडिकेटेड हैं, हर फील्ड में बहुत ध्यान देते हैं, और आप लोगों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास हो, इसलिए हम लोग इस साल वैष्णव स्पोर्ट्स एकेडमी का भी डेवलप कर रहे हैं जो सामने गाँव और इंडोर स्टेडियम बन रहा है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कड़ाती ठंड में। है भाई तेरा भूल सकता है, मुझे मूवी देखो मेरा बनने लगा, देखो तो हसीना तो आना भी करीना तो तुमको गवी पर चढ़ने लगा, थोड़ा